अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अली सज्जाद रिज़वी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं आपके अपने ही चैनल अली बर्ड जोन पर। तो आज आई गेस सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आज दोपहर में वीडियो मैंने शूट करनी थी, तो मैंने बोला अभी ये बना लूँ वीडियो जिसके अंदर मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ रिगार्डिंग अर्निंग विद बर्ड्स, कि आप लोग अगर कॉकटेल्स जैसे मेरे पास हैं, तो अगर मेरे पास कॉकटेल्स हैं तो एक साल में मैंने इससे कितने पैसे कमाए या आप लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। मैं बहुत बड़े नंबर से बात नहीं करूँगा, छोटे मोटे नंबर से बात करूँगा कि जितने मैंने अर्न किए उतने ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो कॉकटेल के पास वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुबह के टाइम जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी माइक में क्लियर नहीं आ रही थी। ओके, तो मेरे पास जो है वो है दो पेयर कॉकटेल्स के, पर्ल के और ग्रे के, जिसके बच्चे हमेशा पर्ल होते हैं, वाइट फेस होते हैं या फिर आई गेस सेम कैटेगरी के ही होते हैं। तो मेरे पास जो दो पेयर हैं उन्होंने मुझे एक साल के अंदर, एक पेड़ ने दिए 4 दफ़ा ब्रीड और एक पेड़ ने दिए 3 दफ़ा ब्रीड। एक पेड़ ने दिए 4 दफ़ा की ब्रीड में हर दफ़ा 3 से 4 बच्चे, एक दफ़ा उसने 5 बच्चे भी दिए थे, और एक पेड़ ने मुझे 3 या 4 ब्रीड्स उसने भी किए और उसने मुझे दिए टोटल 13 बच्चे। तो एक पेड़ ने ब्रीड की है 4 दफ़ा और अगर मैं एक एवरेज लगाऊँ तो तकरीबन 15 या 16 बच्चे उससे आए थे और एक पेड़ से आए थे तकरीबन 13 बच्चे। तो 16 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो बनेंगे 29, और 29 चेक्स का मतलब है अगर आप इसको 1500 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अगर आप उसको 1500 का से मल्टीप्लाई करें, जो एक बच्चा था वो 1500 का था, तो ये टोटल अमाउंट बनती है तकरीबन 43,500, जिसके अंदर से हम 3000 रुपये की अगर मैं इसके अंदर दाने और सॉफ्ट फूड और ये चीज़ें भी निकाल दूँ तो एक साल के अंदर मैक्सिमम यार कितना, जैसे तीन अब चलें 3500 रुपये का भी खा लिया, तो मेरे पास 40,000 रुपीज़ आ गए फ्रॉम जस्ट वन पेयर। ठीक है, और मुझे इसको कितना टाइम देना पड़ता है, एक दिन में सुबह के टाइम 10 से 15 मिनट और शाम के टाइम यूनिवर्सिटी से आके या आप अपने काम से आके आपको शाम के टाइम 10-15 मिनट, मैक्सिमम आपका रोज़ का आधा घंटा या एक घंटा भी अगर आपका लग जाता है, और सब आपके दो पेयर्स हैं अभी। ठीक है, एक्सपेक्ट कि अगर आपके 10 पेयर्स हों तो ये 43,000 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बाई 10 से। ठीक है, तो इसकी एक बेसिक कैलकुलेशन, ये तो मेरे पास जो पेयर्स हैं ये मैं तो एक हॉबीस्ट की नज़र से रखे हुए हैं, अर्निंग के उसमें रखे हुए नहीं है। तो अगर हम इसकी अर्निंग की तरफ जाएंगे तो जो कि इंशाल्लाह आफ्टर दिस गैप ऑफ ब्रीडिंग सीजन, जो ये समर्स आ रहे हैं इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, तो कितने आप पैसे इससे अर्न कर सकते हैं, कितने पैसे आप बचा सकते हैं, तो इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो इंशाल्लाह कल शाम में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। फिलहाल ये अपलोड कर रहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या फॉर द सेक ऑफ टीज़र, के आप लोगों को बता सकूं कि अर्निंग इससे हो सकती है, और जो लोग सिर्फ इसको एज अ हॉबी फॉलो कर रहे हैं वो इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी एक तरह की जॉब होती है इनका ख्याल रखना, ये बीमार हो जाते हैं और इनके पास खैर जितनी मर्जी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह जो कल वीडियो आएगी शाम में उसके अंदर मैं आप लोगों को सब बताऊँगा, और कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड हम रखेंगे लोएस्ट की बेसिस पर रखेंगे कि कम से कम आप कितने पैसे कमा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा सकते हैं, वो भी आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँगा ऑन माय स्क्रीन। तो बस इंशाल्लाह कल शाम तक का वेट करें, आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आऊँगा, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था, लोग प्राइसेस का पूछते रहते हैं, रेट्स का पूछते रहते हैं, तो काफ़ी लोग मुझसे इसका ये पूछते रहते हैं कि यार इससे क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस प्लान या फिजिबिलिटी प्लान इससे बना सकते हैं, तो फिजिबिलिटी प्लान इंशाल्लाह कल शाम को आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और जब तक के लिए मैं भी थोड़ा मौसम इन्जॉय करता हूँ, और बहुत कम ऐसा मौसम होता है सुबह के टाइम, और ख़ासकर आज तो 22वां रोज़ा भी है, तो आई होप आप लोगों के रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।